हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज फाइनली आज हम उस जगह जा रहे हैं जहां मैं अभी तक नहीं जा पाया हूं। आज इतना बड़ा हो गया, अभी समथिंग 20-21 साल का हो चुका हूं मैं। तो गाइस, अभी तक मैं उस जगह नहीं जा पाया हूं, तो आज हम उस जगह जा रहे हैं। समथिंग आज सभी फैमिली जा रही है और साथ में मम्मी पापा और शायद दादी नहीं जा रही है हमारी। सभी लोग जा रहे हैं बट मेरी दादी नहीं जा रही है, क्योंकि मेरी दादी हो जाती, मेरी दादी थक जाती है। मेरी दादी लगा रही है यहाँ पे झाड़ू। अम्मा, तुम क्यों नहीं जा रही? काहे क्यों ना जा रही? यार गर्मी नहीं, मरे जा रही, मैं का करूं जाए के बेटा, नहीं गर्मी के मारे मरी जा रही। अच्छा, तो गाइस दादी नहीं जा रही क्योंकि गर्मी लग रही है दादी को और थकान भी होती है, इसलिए दादी नहीं जा रही है। और जल्द से जल्द हो सकेगा ना तो गाइस मैं दादी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करूँगा जिससे कि दादी को थकान ना हो और मैं दादी को कहीं पे भी ले जा सकूँ घुमाने के लिए। बस जल्दी से जल्दी अब इतना सक्सेसफुल बनना है बस। ऐसे गाइस सभी लोग तैयार हो चुके हैं और ये अपना बूट साफ कर रहा है, आपको पता ही होगा। और मम्मी ये नहीं, और ये यहाँ बैठी हुई है डॉली। तो गाइस अभी हमने अपनी टैक्सी बुकिंग कर दी है, टैक्सी नहीं है मतलब ट्री है, जिसे यहाँ पर मिनी ट्रेन के नाम से जाना जाते हैं। और यहाँ से जाएंगे हम स्टेशन, सिटी स्टेशन हाथरस। तो समथिंग यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। और गाइस एक बात और बताता हूँ, यहाँ पे समथिंग हमारा इतना जाना आना होता है मथुरा में, मतलब मथुरा में नहीं होता, मथुरा के आसपास होके जाना पड़ता है, पर अभी तक मथुरा नहीं गए हम घूमने के लिए। तो आज फाइनली हम वहाँ पर जा रहे हैं, देखते हैं कैसा हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए। मैंने सिर्फ 30 और ये पहना है और लोअर पहना है, बस इतने में जा रहा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है आज। फटाफट से जाते हैं और देखो मेरे बिना फ़ोटो खींच रहे हैं, मेरे बिना फ़ोटो खींच रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ। बावली श्री का पागल वागल हो गया, क्या बातें कर रहा है? दादी के पैर चुका तो बल्ब बुझाए मैंने। अच्छा मम्मी, तो गाइस दादी हमें छोड़ने आ रही है पीछे पीछे, और हमारे कान्हा जी भी तैयार हो चुके हैं एकदम, और हम जा रहे हैं। और गर्मी बहुत है गाइस, पापा जी आगे चल रहे हैं, ये जा रहा है और हम पीछे, और हमारी गाड़ी आ चुकी है। दादी बाय बाय। फाइनली गाइस अब हम स्टेशन पे पहुंच चुके हैं अपने, और पर एक बात तो है, कुछ भी हो मेरे पास बैग जरूर रहेगा, मैं कंफर्टेबल कुछ चीज कर नहीं सकता, मैं भी ऐसे ही खींच के लेके जाऊंगा इसे। सभी स्टेशन पे आ चुके हैं और ये सब जने बैठ चुके हैं यहाँ पर, और मुझे खड़ा है, मैं खाली खड़ा ही। और गाइस आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर बंदर। ये गाइस थोड़ा डिब्बी मार्स है, देख भी रहे हो। देखने का बंदर बीमार है, दवाई दबाएंगे पहले, जाके आ जाए फिर दवाई दबाएंगे। माल गाड़ी आई है, गाइस देख रहे हो नीचे छोटा सा बंदर है, वो भी चिपका हुआ है बिल्कुल, देखो कितना छोटा सा बंदर है। ये असली आर्मी वाले
ये देखो। तो गाइस हम आ चुके हैं अभी मथुरा के अंदर और मुझे टाइम नहीं मिला वहाँ पे, इतनी सारी भीड़ थी कि मतलब इतना भी टाइम नहीं मिला मुझे तो फ़ोन निकाल सकूँ मैं। डायरेक्ट मैं आ चुका हूँ अभी, मैं अभी हम जा रहे हैं जब ब्याह के बिहारी, जहाँ पर हमारे रिलेशन वाले कुछ आ चुके हैं यहाँ पर। भाई सबसे पहले यहाँ पर गर्मी बहुत है, सबसे ज़्यादा गर्मी की टेंशन है, पानी इतना भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए गन्ने का जूस पी रहे हैं सभी जने। यहाँ से पूरी फैमिली वहाँ पर खड़ी हुई है और हमारे कान्हा जी भी, शायद हमारे कान्हा जी भी पी रहे हैं क्योंकि कान्हा जी को भी लग रही है गर्मी। तो अभी हमारे मौसा जी आने वाले हैं, सभी ऐसे आते हैं। गाइस अभी हम मैं खड़ा हुआ हूँ वृंदावन बालाजी, ये सामने आपको दिख रहा होगा मंदिर, और अभी हमारे रिलेशन वाले आ ही नहीं पाए हैं। गाइस फाइनली हमारे मौसा जी और मौसी जी हमें मिल चुके हैं, वो ये सब जने बैठे हुए हैं यहाँ पर, और इन्होंने कितना पागल बनाया हमारा, सबसे ज़्यादा पागल बनाया इसने हमारे। बाकी बिहारी कभी कभी पहुँच जाते हैं बाकी बिहारी तो हमसे बोल देते हम प्रेम मंदिर पहुँचो, हम प्रेम मंदिर पहुँचते तो ये आ जाते बाकी बिहारी, कभी यहाँ से यहाँ पूरा दिन हो गया ख़राब। अभी यहाँ पर हम जगह का नाम तो पता नहीं है, यहाँ से निधिवन समथिंग 200 मीटर करीब दूर है, 200 मीटर करीब यहाँ से निधिवन है। तो अभी जमुना जी है, तो अभी यहाँ जमुना जी में हम थोड़ी वोटिंग करेंगे, हो सके जितनी वोटिंग करेंगे अभी वोटिंग करने जाएंगे, और आज का दिन तो पूरा हो गया ख़राब, ऐसा लग नहीं रहा कि हाँ पूरा हो गया दिमाग ख़राब, मतलब किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी ना, फर्स्ट टाइम था हमारा यहाँ पर, तो फर्स्ट टाइम के दिन यहाँ पर सही नहीं था, तो हमारा वोटिंग हो गया फिक्स, तो अभी जा रहे हैं हम, तो अभी सब जने जा रहे हैं। सब जने यहाँ पर बैठ चुके हैं, मौसी जी ये रही यहाँ पर और पापा जी यहाँ पर हैं, पापा जी यहाँ बैठे हुए हैं और डॉली ये रही, सचिन बोरा और मम्मी नीचे पता नहीं क्या कर रही है, और अभी बोट में हैं, अभी पूरी बोट की राइड लेंगे और हमारी राइड चलती है, बहुत बढ़िया राइड चलती है, फर्स्ट टाइम पे जो है उसमें बैठा हुआ। और तो गाइस अभी मथुरा की गलियां में घूम रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं निधिवन। निधिवन में क्या करेंगे हम? हम वहाँ पे घूमेंगे और उनकी रास लीला स्थान पर जा रहे हैं अभी हम। आधी फैमिली पीछे है, मतलब वाकई मथुरा में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा है नहीं कि कुछ बोरिंग जगह है, बट ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। ये देखो ये पान बना रहे हैं, हमारे काम की कोई चीज़ नहीं। आके में मथुरा की गलिया अच्छा तो है, बस शाम के टाइम पे जाकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये कुल्फी गाइस अभी सचिन का चश्मा एक बंदर ने ले लिया था, और उसके बाद में उस बंदर ने ना क्या किया पता है, फ्रूटी देकर और मतलब फ्रूटी लेकर चश्मा वापस किया है, बंदर समझदार बंदर है काफ़ी यहाँ। सभी के लग रहे हैं धूप में रुक जाओ। तो गाइस अभी आ चुके हैं निधिवन, मैं आपको दिखाता हूँ। चना बंदरन को खवाएंगे। मैं सोची अपने गाय लिए चने
हीरा बंदर पापा को तो लगो डर। आगे होंगे वो के अंदर है और भीड़ लग रही है काफी ज्यादा। पूरी हालत खराब हो चुकी है दर्शन करते करते, पर काफी अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये पेड़ है कदम का, यानी मतलब कृष्ण जी ने जो वस्त्र धारण किए थे उनका है, मतलब ज्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज के बारे में, पर हाँ पर ये पेड़ है वो। तो गाइस अभी निधिवन के दर्शन हमने कर लिए हैं अभी, और अभी जा रहे हैं बाकी बिहारी, अभी वहाँ जाएंगे। गाइस अभी जा रहे हैं निधिवन नहीं बाकी बिहारी जा रहे हैं ना हम बाकी। और तो गाइस अभी बाकी बिहारी जा रहे हैं, हम थक चुके हैं। नहीं थके हैं, अभी दर्शन करके जाएंगे। हम तो थकते हैं। सभी बाकी बिहारी पे आप भीड़ देख सकते हो कितनी ज्यादा लग रही है, शायद तुम्हें दर्शन होंगे या नहीं होंगे बोलने जाने के बाद पता चलेगा। बाकी तो गर्मी बहुत है, ये देखो बाबा राधे राधे। तो गाइस अभी अजीत जी का दर्शन मिल रही है, और अभी हम जा रहे हैं अपनी जहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क में, अभी वहाँ जा रहे हैं। और हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है। तो गाइस इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि ये व्लॉग हो चुका है काफ़ी बड़ा। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कर देना, और जो भी मेरे चैनल पर नया हो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। राधे राधे।